examples. Some more examples about arithmetic operations. Again, like a division operations, in that case, what is the result of example 6? Here, x and y both are integer types of operand. The expression is z equals to x divided by y. इस केस में अगर सॉल्व चेक करें, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स कितने, देयर आर टू ऑपरेटर्स, डिवीजन एंड असाइनमेंट. हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टेकन बाय डिवीजन ओवर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो सबसे पहले टेस्ट किसको करेंगे इस केस में, डिवीजन ऑपरेशन. टिल नाउ वी आर अवॉइडिंग असाइनमेंट. ये सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म, तो डिवीजन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है x, सेकंड ऑपरेंड क्या है y. फर्स्ट ऑपरेंड x, x इज अ x एंड y बोथ आर इंटीजर टाइप्स ऑफ ऑपरेंड. अगर इंटीजर टाइप्स के ऑपरेंड है, इसका रिजल्ट भी किस फॉर्म है, रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर. फर्स्ट ऑपरेंड इज इंटीजर, सेकेंड इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर. एज अ नॉर्मल केस ऑफ नॉर्मल लाइफ मैथमेटिकल फॉर्म, अगर x और y के केस में डिवीजन परफॉर्म करें, तो x का वैल्यू क्या है, x इज 11 एंड y इज 2. डिवीजन डिवीजन क्या है इस केस में 5.5. डिवीजन इज 5.5, बट अकॉर्डिंग टू इंटीजर रूल्स और एक्सप्रेशन रूल, अगर दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप्स के, तो रिजल्ट भी किसमें आएगा, इंटीजर. इसका इंटीजर पार्ट क्या है, ओनली 5, देयरफॉर रिजल्ट इज 5. तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज प्रोड्यूस्ड एज 5. इस रिजल्ट रियल में 5.5 होगा मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन सी के अकॉर्डिंग रिजल्ट इंटीजर, मीन्स ऑपरेंड का टाइप इंटीजर था, इसलिए रिजल्ट भी इंटीजर में कन्वर्ट हुआ. देन इसको असाइन किस में कराया, वेरिएबल एक्स. एक्स की बात करें तो एक्स का भी टाइप क्या है, एक्स, सॉरी, रिजल्ट इज असाइन टू द वेरिएबल जेड. जेड इज ऑल्सो इंटीजर वेरिएबल, 5 इन जेड में असाइन करना पॉसिबल, इसलिए इसका आउटपुट भी क्या आएगा, सिंस जेड में 5 असाइन हुआ, इसलिए आउटपुट ही क्या प्रिंट हुआ, आउटपुट इज ऑल्सो 5. दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वन, सेकेंड एक्सप्रेशन और सेकेंड एग्जाम्पल. इन दैट केस In that one, first case x or y, x and y both are integer types of operand. Again, इस केस में अगर third expression को solve करें, means that consulted only that expressions. In that case, again expressions क्या है इस केस में, z equals to x divided by y. Then highest priority किसका इस केस में, असाइनमेंट का और डिवीजन, अगेन डिवीजन. तो डिवीजन के केस में सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो डिवीजन के केस में सबसे पहले चेक करें टाइप्स ऑफ ऑपरेंड, x इज इंटीजर, y इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर. x का वैल्यू क्या है, 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 इज, रिजल्ट क्या रहा, 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इंटीजर, डिवीजन इज 5. उसके बाद इस वैल्यू को चाहे इंटीजर में साइन करें, लॉन्ग में साइन करें, फ्लोट में साइन करें, रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज ऑल्सो 5. मीन्स जेड के रिस्पेक्ट में बात करें, जेड फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, जेड में फ्लोट टाइप का रिजल्ट स्टोर करना पॉसिबल, लेकिन सबसे पहले असाइनमेंट हुआ, पहले डिवीजन, डिवीजन के अकॉर्डिंग, डिवीजन के केस में दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर टाइप के थे, इसलिए रिजल्ट भी किस में प्रोड्यूस हुआ, ऑल्सो इंटीजर. देन असाइनमेंट परफॉर्म हुआ, देयरफॉर जेड का वैल्यू क्या प्रिंट होगा इस केस में, आउटपुट ऑफ वैल्यू ऑफ जेड इज, टोटल वैल्यूज कितने, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, फाइनली एफ जी एच, एफ जी एच, देर आर 6 वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज 11, वाई इज 2, देन जेड में कैसा हुआ है 5, मीन्स और वी कैन से 5.0 समथिंग, बिकॉज ऑफ जेड इज फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वाई एफ इक्वल्स टू, अगेन f इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 डिवाइड बाई 2 और असाइनमेंट केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी अगेन किसका, डिवीजन का, डिवीजन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड 11 का टाइप क्या है, इंटीजर, 2 का भी टाइप क्या है, ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर रिजल्ट इज ऑल्सो इंटीजर. देखा जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5.5, लेकिन ऑपरेंड का टाइप इंटीजर, इसलिए रिजल्ट कंसिडर ओनली इंटीजर पार्ट, मीन्स दिस वन इज रिमूव्ड और डिस्कार्डेड. 5, देन 5 किस में साइन हुआ, f में, मीन्स f 5.5 को स्टोर करने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन रिजल्ट किस में आया है,
रिजल्ट 5.5 प्रोड्यूस हुआ है, ओनली 5 रिजल्ट 5 प्रोड्यूस हुआ, इसलिए रिजल्ट एफ एम भी कैसा है ऑल्सो 5.0। नेक्स्ट एक्सप्रेशन थर्ड, नेक्स्ट केस में अगर बात करें, इन नेक्स्ट वन जी जी इक्वल्स टू 11 मॉड्यूलो बाई 2.0। 11 की बात करें, इस केस में भी अगेन हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, डिवीजन का, क्योंकि इस बार फर्स्ट ऑपरेंड क्या है इंटीजर एंड सेकंड ऑपरेंड इज 2.0 मींस बाय डिफॉल्ट इज डबल, तो इसका रिजल्ट किसमें है, रिजल्ट इज आल्सो डबल। डबल के केस में आप कहें डबल मींस रियल में इसका रिजल्ट क्या था 5.5, और 5.5 डबल में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है, देयरफॉर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 5.5 आफ्टर दैट असाइनमेंट इन जी। इस केस में अगर रिजल्ट डबल में आया बिकॉज ऑफ सेकंड ऑपरेंड इज डबल टाइप, इसलिए रिजल्ट क्या 5.5 असाइन टू द वेरिएबल जी, इस डबल टाइप का वैल्यू फ्लोट में असाइन करना पॉसिबल 5.5, देयर इज नो रिमूव ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन एच, एच के केस में बात करें यूज किया टाइप कास्टिंग, एच इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इनटू फ्लोट, टाइप कास्टिंग इज अ यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर लिस्ट में मेंशन किया यूनरी लिस्ट में टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग यूनरी है प्लस असाइनमेंट एंड डिवीजन इज बाइनरी ऑपरेटर, हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टेकन बाय टाइप कास्टिंग आफ्टर दैट डिवीजन देन असाइन, तो सबसे पहले टाइप कास्टिंग हुआ, टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग एच इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग 11 कंसिडर होगा लॉजिकली एज फ्लोट टाइप ऑफ ऑपरेंड लाइक दैट, देन अगेन फर्स्ट ऑपरेंड कंसिडर लॉजिकली फ्लोट सेकंड इन इंटीजर, देयरफॉर रिजल्ट इज 5.5 असाइन टू द एच, एच में क्या असाइन होगा ऑल्सो 5.5। फाइनली आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा इस केस में, फर्स्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है इस केस में 11, इसलिए फर्स्ट एक्सप्रेशन से क्या डिस्प्योर है 11। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है नेक्स्ट प्रिंट एफ, नेक्स्ट प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या करा है वैल्यू ऑफ जेड एंड एफ, जेड इज 5.0 एफ इज 5.0, मीन्स नेक्स्ट केस में दोनों केस में क्या प्रिंट हुआ 5.0 एंड 5.0। नेक्स्ट वन वैल्यू ऑफ जी एस, जी एंड एस दोनों केसेस में रिजल्ट क्या है 5.5, इस प्रिंट हुआ 5.6 टाइम जीरो समथिंग 5.5 एंड अगेन 5.5, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट एग्जाम्पल्स।